हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कैसे हम बाइक में और कारों में जो हमारे ये बल्ब यूज़ होते हैं, देखिए यहाँ पे बल्ब आपको दिख रहा हो, ये बल्ब कार और बाइक के पार्किंग लाइट में यूज़ होता है, या फिर होता है स्पीडोमीटर जो होता है उसके बैक पैनल लाइट जो होती है उसमें लगाया जाता है। ठीक है, ये बल्ब होते हैं नॉर्मली और ये पीली रोशनी देते हैं। चलिए, इसको रिप्लेस करके हम लोग आजकल जो LED आ रही हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। ये LED है व्हाइट कलर में, ये भी LED है, ठीक है, और ये भी LED है। ये LED मैं खरीद करके ला चुका हूँ, बट इनमें प्रॉब्लम क्या आई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई है कि ये 7 दिन 10 दिन ही चल पाते हैं मैक्सिमम, 7-10 दिन बाद ये सब फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं कई बार खरीद करके ला चुका हूँ बट सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला है, इनको जो LED ये तो हमारे किसी काम के नहीं, इसको तो अलग रख देते हैं। ठीक है, अब ये वाली LED जो है, ये वाली 2 LED हैं, इनके हमें होल्डर यूज़ करने हैं बस। LED तो हमारे फ्यूज़ हो चुके हैं, ये किसी काम के नहीं, हम लोगों को बस ये होल्डर यूज़ करने हैं, बस इनके होल्डर को रिमूव कर लेते हैं LED से। वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊँ। देखो ये इनके टांगे हैं इनकी LED की, ये सीधी कर ली, ठीक है, ऐसे ही इसकी LED की टांग को सीधा कर लिया, ठीक है, सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद हमने इसको ये होल्डर को LED बाहर निकाल लिया होल्डर में से, LED को अलग कर दी, हमारे अब किसी काम के नहीं। एक हमें ज़रूरत है इस होल्डर की, ठीक है, एक चीज़ ही कंपोनेंट हमारा कंफर्म हो गया। नेक्स्ट हमें ज़रूरत है देखिए, इसमें ये सर्किट अप्लाई करना है। ये 3 LED लगाई हैं इसकी, ये प्लस टांग है, ये माइनस, माइनस प्लस में जोड़नी है, फिर ये वाली माइनस इस वाली प्लस में जोड़नी है, ये हमारी माइनस टांग बची है, ये सप्लाई में आनी है, और ये हमारी प्लस वाली टांग है, यहाँ पे रजिस्टेंस लगाना है 470 ओम का, और फिर हमारी 12 वोल्ट सप्लाई हो जाएगी, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, चलिए अब इसको सर्किट को अप्लाई करते हैं। बड़ी वाली प्लस, छोटी वाली माइनस, ठीक है, बड़ी वाली प्लस है, छोटी वाली माइनस। अब मैं इसमें ज़्यादा अंतर नहीं पता लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ईजी रहे मेरे लिए सर्किट, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस सर्किट में जितनी भी छोटी वाली टांग है हमारी LED की उनको थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूँ, ये जिससे मैं पहचान पड़ सके छोटी कौन सी है इसकी। इसमें देखिए ये दिख रहा है, ये बड़ी टांग है, ये छोटी टांग है, तो इसको और छोटा कर देना काट के, इससे समझ में थोड़ा ईजी हो जाएगा। ऐसे ही इसमें करते हैं 3 LED में, ये बड़ी टांग है, ये छोटी टांग है, ये बड़ी टांग है, तो छोटी वाली को और छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब पता लग रहा है छोटी टांग 3 LED होंगी हमारी, छोटी बड़ी और ये रेस्टेंट। अब हमें करना क्या, देखिए इसकी छोटी टांग जो है, इसकी छोटी टांग जो है वो माइनस है, इसकी बड़ी टांग प्लस है, जो मैंने आपको अभी बताया। तब हमें करना क्या, छोटी टांग को निकालिए बाहर, एक इसकी बड़ी टांग को बाहर निकालिए, इनको आपस में बेंड कर दीजिए, इस तरह से बैंड कर लिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी छोटी वाली टांग जो है ये देखिए है ना, इसकी छोटी वाली टांग को इससे बैंड करना हमें, इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, ये इसको बाहर निकाल लिया, ये छोटी वाली टांग, ठीक है, इस तरह से इसको पेंट कर लिया। ठीक है, अब हमें लोगों 2 LED मिली हैं, 2 LED मिली हैं, इसकी छोटी एक टांग छोटी माइनस, ये बड़ी वाली प्लस। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें मैंने बताया अब ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मैंने बताया था प्लस वाली टांग, प्लस वाली टांग मतलब बड़ी वाली टांग, बड़ी वाली टांग में इस तरह से ये रेजिस्टेंस हमें लगा दें, ठीक है। अब इसको थोड़ा और शेप, इसको हमें इस तरह से शेप तैयार करनी है, 3 LED को साथ में मिला करके शेप तैयार करनी है, ठीक है। अभी जो एक्स्ट्रा टांगे हैं, ठीक है, वही छोटी बड़ी टांग करके इसको मर्ज करके रख लिया है, ऐसे इसकी थोड़ी सी लेग टांगे जो है थोड़ी टाइट कर लेते हैं इसको, कर लिया हमने। अब इसको शोल्डर कर लेते हैं वही उस
सेम प्रोसीजर पर, सेम प्रोसीजर से देखिए। कर लिया, थोड़ी अंदर की साइड ही करना है समय। कर लिया, अब इनकी एक्स्ट्रा टांगों को हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, इसकी प्लस वाली टांग में हमने रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। लेग्स वापस में नहीं पाए, देखिए पहले एक ही इसमें आग आ गई थी, इसलिए मैंने दोबारा निकाल के लगाना पड़ा। ये देखिए, काट देते हैं। ये हमारे बन चुके हैं दो एलईडी। अब इनकी रोशनी बहुत जबरदस्त रोशनी है, जो हम मैं पहले खरीद करके लेके आया था उनसे बहुत जबरदस्त रोशनी है, बहुत तेज है। आपको चेक करा के दिखाते हैं, लीजिए ये बन चुकी हैं। इसकी लॉक कॉस्ट लगभग बताऊँ, एक एक एलईडी 1 रुपए की मुझे मिली थी, 1 रुपए की, 6 रुपए की एलईडी और 1 रुपए के दो रेजिस्टेंस। 7 रुपए में मेरे दो एलईडी बल्ब तैयार हो चुके हैं। चलिए चेक करते हैं इसको, आइए चेक करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं। ये पहले इसका बल्ब निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा बल्ब है, ठीक है, इसको निकालते हैं। अब हमने जो एलईडी बनाई है उनको चेक करते हैं। चलिए, ये एलईडी है हमारी, देखिए जो बनाई थी हमने अभी, उनको चेक करते हैं। देखिए इसमें लगाते हैं एक एलईडी, इसकी रोशनी देख सकते हैं कितनी तेज है। ये सही बनी है, चल चुकी है।